नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कोरोना वायरस ने दोस्तों बहुत नुकसान कर दिया और इस नुकसान के बाद जो और परेशानियां झेलनी पड़ेंगी वो अलग से हैं। बिना किसी कारण के एक भी व्यक्ति का चले जाना बहुत बड़ी क्षति है। जैसे जैसे ऐसे न्यूज़ सुनते हैं बहुत परेशानी होती है। पहले पूरे विश्व की सुनते थे, इटली की सुनते थे, चाइना की सुनते थे, आज हमारे घर में न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी परेशानी है। परमात्मा ने, ईश्वर ने सभी समस्याओं का दोस्तों समाधान दिया है। इस वक्त आपकी ड्यूटी है कि परिवार के मेंबर्स को, फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को, नेबरहुड को आपने उदास नहीं होने देना। आपने उनको हौसला दे के रखना। घर में ना किसी को आने दें, ना आप कहीं बाहर जाएं जब तक ये स्थिति है। और कभी भी दोस्तों कोई परेशानी आ जाए जीवन में तो उस परेशानी से संबंधित उपाय तो करने चाहिए, जैसे हमें डॉक्टर कह रहे हैं, मेडिकल साइंस कह रही है, पूरा फॉलो करना चाहिए। और उसके साथ साथ आध्यात्मिकता बहुत बड़ी बात है, रूहानियत बहुत बड़ी बात है। इसमें जो बीज मंत्र हैं वो बहुत बड़ी शक्ति देते हैं आपको। बीज मंत्र परिवार के साथ आपको बैठने का मौका दिया भगवान ने, तो आप सामूहिक रूप से गा करके सामूहिक स्वर में, ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप कीजिए। और जैसे उस मंत्र जाप से जो तरंगे पैदा होती हैं, जो वाइब्रेशन होती है, वो वाइब्रेशन आगे शक्तियों में तब्दील हो जाती है। वो जब आपकी स्टेट शक्तियों वाली बढ़ जाती है तो आप दूसरे व्यक्ति हो जाते हैं। जैसे किसी अनजान आदमी को कोई बीज दिखाया जाए कि बेटा ये बीज देखो, तो आप उसको कहो कि इसमें कितने बड़े बड़े ट्री पैदा हो सकते हैं, कितने बड़े बड़े एक आम का फल दिखाओ, उसको बताओ कि इससे आम का पेड़ पैदा हो सकता है। तो जो अनजान है वो मानेगा नहीं, बोले गप मार रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। किसी को गेहूं का छोटा सा बीज दिखाओ, बोलेगा ऐसे कैसे गेहूं पैदा हो सकती है। मकई का दिखाओ, नहीं मानेगा। और जब वो खुद प्रैक्टिकल अनुभव कर लेगा, देख लेगा, फिर सोचेगा सच में ये तो चमत्कार है। दोस्तों ऐसे ही बीज मंत्र की शक्ति अनंत है। बीज मंत्र का जाप जैसे आपको पहले बता चुका हूं किस ढंग से करना चाहिए, उस ढंग से बीज मंत्रों का जाप करें। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग बीज मंत्र हैं। और आज के लिए बहुत से उपद्रवों से, कष्टों से मुकाबला करने के लिए श्री मां बगला मुखी जी का बीज मंत्र सबसे शक्तिशाली है। आप ओम हलरीम नमः, ओम हलरीम नमः, इस मंत्र को सामूहिक रूप से जाप करें। और सामूहिक रूप से जाप करते करते, ऊंचे स्वर में जाप करते करते, फिर धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में चले जाएं। और उसके बाद मयूरपंख मुद्रा करते करते सबको हीलिंग देने की कोशिश करें। मयूरपंख मुद्रा पहले वीडियो जो मैं बता चुका हूं, तो ऐसे आप दूसरों को हीलिंग दे पाएंगे, अपने आप को हील कर पाएंगे। और ऐसे ही दोस्तों आगे आने वाली जो समस्याएं हैं उनके साथ लड़ने की भी आपको शक्ति मिलेगी। माँ कृपा करें, भगवान कृपा करें, आप सभी समस्याओं से मुक्त रहें, माँ के चरणों में लगें, परमात्मा के चरणों में लगें। नमस्कार, जय माता दी।